बोलिए सिद्धेश्वर महादेवनी जय। वाला भक्तजनों, पवित्र श्रावण मास चाली रह्यो छे। आ मासमां दरेक धर्म प्रेमी जनताना हियामां विशेष शिव भक्ति जागृत थती होय छे। बस एज न्याये वाला भक्तजनों अपने नित्य श्री शिव पुराण मध्येथी सुंदर शिव चरित्र श्रवण करी रह्या छीए। आवो शिव पुराण मां रहेला अनंत चरित्रो माहिलु कोई एक चरित्र आज श्रवण करिए छीए। आपणे गई कालनी कथामां भगवान वेदव्यास अने सुतजीनो संवाद जोयो। गई कालनी कथामां सुत पुराणी अने मुनिओनो संवाद जोयो हतो। जे त्रण साधन श्रवण मनन अने निधिध्यास एना विषे पण जाण्यु हतु। आवो आजे भगवान शिवना लिंग अने साकार विग्रहनी पूजानु रहस्य एनु आपणे श्रवण करवु छे। सुत पुराणी कहे छे, हे सोनक, जे श्रवण कीर्तन अने मनन आ त्रण साधनोना अनुष्ठानमां समर्थ न होय तेणे भगवान शंकरना लिंग अने मूर्तिनी स्थापना करीने नित्य एनी पूजा करे तो संसार सागरथी पार थई शके छे। वंशना अथवा छल कर्या सिवाय पोतानी शक्ति अनुसार धन राशि लई जाय अने तेने शिवलिंग अथवा शिव मूर्तिनी सेवामां समर्पित करी दे। साथे साथे निरंतर ए शिवलिंग अने मूर्तिनी पूजा पण कर्या करे। ए माटे भक्ति भाव पूर्वक मंडप, गौपुर, तीर्थ, मठ अने क्षेत्रनी स्थापना करे अने उत्सवनुं आयोजन करे। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पूजा अने पूड़ा तथा शाक वगैरे वानगी युक्त जात जातना भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य रूपे समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, पंखो, चमर अने अंगो सहित राजोपचारनी जेम बधो सामान भगवानना शिवलिंग अने मूर्तिने चढ़ावी दे। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आह्वानथी लईने विसर्जन सुधी दररोज भक्ति भावथी पूजा संपन्न करे। आ रीते शिवलिंग अथवा शिव मूर्तिमां भगवान शंकरनी पूजा करनार पुरुष श्रवण आदि साधननुं अनुष्ठान न करे तो पण भगवान शिवनी प्रसन्नताथी सिद्धि प्राप्त करी ले छे। आ पहेलाना समयमां पण घणा महात्मा पुरुष लिंग अने शिव मूर्तिनी पूजा करवा मात्रथी भव बंधनथी मुक्त थई चुक्या छे। अने त्यारे ऋषिओए पूछ्युं, मूर्तिमां ज सर्वत्र देवताओनी पूजा थाय छे, परंतु भगवान शिवनी पूजा बधी जग्याए मूर्तिमां अने लिंगमां पण केम थाय छे? सुंदर प्रश्न श्रवण करी अने सुत जी कहेवा लाग्या, हे मुनीश्वरो, तमारो आ प्रश्न खूब ज पवित्र अत्यंत अद्भुत छे। आ विषयमां महादेव जी ज वक्ता थई शके छे, बीजा कोई पुरुष क्यारे अने क्यांय पण आनो प्रतिपादन नथी करी शकता। आ प्रश्नना समाधान माटे भगवान शिवे जे कंई कह्युं अने एने मैं गुरु मुखे जे रीते सांभळ्युं छे એવી જ રીતે ક્રમશઃ હું વર્ણન કરીશ। એકમાત્ર ભગવાન શિવ જ બ્રહ્મરૂપ હોવાને કારણે નિષ્કલ નિરાકાર કહેવાય છે, રૂપવાન હોવાને કારણે એમને સકલ પણ કહ્યા છે। એટલે શિવ ભગવાન સકલ અને નિષ્કલ બંને છે।
शिव निष्कल निराकार होवाने कारणे एमने पूजानु आधारभूत लिंग पण निराकार ज प्राप्त थयु छे। अर्थात शिवलिंग शिवना निराकार स्वरूपनु प्रतीक छे। आ रीते शिवनु सकल अथवा साकार होवानु कारण एमनी पूजानो आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त थाय छे। सकल अकल रूप होवाथी ज ते ब्रह्म शब्द द्वारा कही शकाय तेवा परमात्मा छे। आज कारण छे के बधा लोको लिंग अने मूर्ति बन्ने मा सदा भगवान शिवनी पूजा करे छे। शिव थी भिन्न जे बीजा बीजा देवता छे ते साक्षात ब्रह्म नथी, एटला माटे ज क्यांय पण ये देवोने माटे निराकार लिंग उपलब्ध थतु नथी। पूर्व कालमा बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनिये मंद्राचल पर नंदीकेश्वर ने आवोज प्रश्न कर्यो होतो। सनत कुमार कही रह्या छे, हे भगवान, शिव थी भिन्न जे देवताओ छे ते सौनी पूजा माटे सर्वत्र घणु करीने मूर्ति मात्र ज अधिक संख्यामां जोवा सांभळवा मळे छे। केवल शिवजीनी पूजामां ज लिंग अने मूर्ति बन्नेनो उपयोग करवामां आवे छे। तेथी हे कल्याणमय नंदीकेश्वर, आ विषयमां जे तत्वनी वात होय ते मने एवी रीते समजावो जेथी मने बरोबर समझ पड़े। अने त्यारे नंदीकेश्वरे कह्युं, हे निष्पाप ब्रह्मकुमार, आपनो आ प्रकारनो प्रश्ननो जवाब अमारा जेवा कोई आपी शके नहीं, केम के आ गोपनीय विषय छे अने लिंग साक्षात ब्रह्मनुं प्रतीक छे। तेम छता तमे शिव भक्त छो एटले ज आ विषयमां भगवान शिवे ज कई बतावियुं छे, ए ज हुं तमारी समक्ष कहुं छुं। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप छे, निष्कल छे, एटले ज तेमनी पूजामां निष्कल लिंगनो उपयोग थाय छे। संपूर्ण वेदोनो आज मत छे। त्यारे सनत कुमार बोल्या, हे महाभाग योगिंद्र, तमे भगवान शिव अने बीजा देवताओना पूजनमां लिंग अने मूर्तिना प्रचारनो जे रहस्य विभाग पूर्वक बताव्यु छे ते यथार्थ छे। एटले लिंग अने मूर्ति आदिकनी उत्पत्तिनो जे उत्तम वृत्तांत छे एने ज हुं आ समये सांभळवा इच्छुं छुं। लिंगना प्रागट्यનું રહસ્ય સૂચિત કરનારનો પ્રસંગ મને સંભળાવો। એના ઉત્તરમાં નંદીકેશ્વરે ભગવાન મહાદેવના નિષ્કલ સ્વરૂપ લિંગના આવિર્ભાવનો પ્રસંગ સંભળાવવાનું શરૂ કર્યું। એમણે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુનો વિવાદ, દેવતાઓની વ્યાકુળતા અને ચિંતા, દેવતાઓનું દિવ્ય કૈલાસ શિખર પર ગમન, એમના દ્વારા ચંદ્રશેખર મહાદેવનું સ્તવન, દેવતાઓ દ્વારા પ્રેરણા પમાયેલા મહાદેવજીનું બ્રહ્મા અને વિષ્ણુના વિવાદ સ્થળમાં આગમન અને બંને વચ્ચે નિષ્કલ આદિ અંતરહિત ભીષણ અગ્નિના થાંભલાના રૂપમાં એમનો આવિર્ભાવ થવો વગેરે પ્રસંગોની કથા કહી। ત્યાર પછી શ્રી બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ બંને દ્વારા એ જ્યોતિર્મય સ્તંભની ઊંચાઈ અને ઊંડાઈનો ત્યાગ લેવાની ચેષ્ટા અને કેતકી પુષ્પના શાપ અને વરદાન વગેરેના પ્રસંગો સંભળાવ્યા। ઇતિ શ્રી શિવ પુરાણ મધ્યે વિદ્વેશ્વર સંહિતાયામ अध्याय 5-8 समाप्त। सिद्धेश्वर महादेवनी जय।